While there is still no word on a cure for the virus, government officials report the virus is not airborne. तो आज की स्ट्रीम में और आज की वीडियो में बॉयज मैं एक बहुत बड़ा जो अपना क्वेश्चन है वो एड्रेस करने वाला हूँ। तो इसके डिस्कशन के दो पार्ट होंगे। तो आई विल बी एड्रेसिंग टू थिंग्स, जिसमें से पहली ये चीज़ है कि सब लोग जानना चाहते हैं, विल आई बी लीविंग एपेक्स और नॉट। तो बॉयज इसका देखो मैं आप लोगों को सिंपल फंडा बताता हूँ यार। सी आई पर्सनली हैव what I think my selling point, like what do you like, you guys like to watch, is that I have good gameplay, a good decent pro gameplay, like I'll say little close to pro। मैं अगर कहीं पीछे रह रहा हूँ तो मे बी पिंग और ये वो, मैं अपना यू नो आई हैव दैट, बेसिकली आई हैव दैट कॉम्पिटिटिव नेचर। अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं उसमें अच्छा हूँ। वो एक कॉम्पिटेटिव नेचर है कि आई विल बी बेटर, मेरे को सबसे अच्छा होना है, मेरे को बहुत बढ़िया खेलना है यार, मेरे को कैजुअल खेलने में मज़ा नहीं आता है। तो आई हैव दैट थिंग कि आई डोंट वांट टू सिट, हैव अ स्ट्रेट फेस एंड यू नो प्ले। आई लाइक टू हैव फन विद बॉयज। थोड़ा सा फन एलिमेंट मैं प्रो गेम प्ले के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट माई चैनल, माई व्यूअरशिप, आई वॉन्ट, दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट मी टू बी। तो जहाँ तक बात रही एपेक्स की बॉयज़, आफ्टर जून जब मेरा ये दुबई छोड़ने का, यहाँ दुबई में मेरा कॉलेज की तरफ से कंपल्शन ख़त्म हो जाएगा एंड मेरे को यहाँ पे आई डोंट हैव टू स्टे हियर एनी मोर। तो फिर बॉयज़ आई हैव टू पे अ लॉट टू स्टे हियर फॉर द अपार्टमेंट, फॉर द इंटरनेट, फॉर द फैसिलिटीज़, आई हैव टू पे फॉर द वीज़ा एंड देन आई विल बी एबल टू प्ले एपेक्स टूर्नामेंट्स। कम ऑन बॉयज, तुम्हें पता है इंडिया जैसे कि एलिजिबल कंट्री नहीं था एपेक्स में। तो अंटिल नेक्स्ट ईयर समर्स जो उनका नेक्स्ट टूर्नामेंट ALGS या जो भी इंटरनेशनल प्रो टूर्नामेंट होगा, उस तक इंडिया ऐड नहीं हो रहा। तो बॉयज मैं एक साल नहीं रह सकता दुबई में। ये यूट्यूब इज़ नॉट पेइंग मी दिस, ये जो यूट्यूब स्ट्रीमिंग और ये सब है, आई एम नॉट अर्निंग दैट मच फ्रॉम दिस कि मैं यहाँ दुबई में रह लूँगा जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गो प्रो इन एपेक्स। ये तो हुआ पहली चीज़। यहाँ पे वेलोरेंट कहाँ खेल जाता है बॉयज, वेलोरेंट ने अभी अनाउंस कर दिया है कि दे विल बी $10,000 के नीचे का अगर प्राइस पूल है तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दे डोंट हैव टू टेक एनी परमिशन। इन्होंने कस्टम्स दे दिए हैं तो सीधा उन्होंने बोल दिया 120 सर्वर्स है ही इसमें थ्रू आउट, कस्टम्स हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो। तो फिर बेसिकली द अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट्स विच आर गोना हैपन इन फ्यूचर इन इंडिया इज नॉट बाउंड टू रायट गेम्स। उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम सोचो कितने सारे टूर्नामेंट्स जिसमें अपन सब लोग, कम्युनिटी टूर्नामेंट्स होंगे, अपन सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू नो आई कैन फॉर्म माई ओन टीम विद बॉयज एंड हैव फन, हैव प्रैक्टिस एंड प्ले फ्रॉम इंडिया। ऐसा कोई बंधन नहीं है मेरे ऊपर कि आई हैव टू स्टे इन UAE एंड देन प्ले, और ये सब चीज़ें नहीं है। सबसे पहला चीज़ एपेक्स मुझे मन कर रहा है छोड़ने का, उसका सबसे पहला कारण ये है। सेकंड, जहाँ पे एपेक्स का ज़्यादा अच्छा रहता है वो है एवरीथिंग, जहाँ पे वेलोरेंट का, जहाँ पे जो एपेक्स से बेटर रहता है वो है एवरीथिंग सर्वर वाइज। बॉयज यार एक गेमर को है ना एक चीज़ सही है, स्किन्स, क्यूट इवेंट्स, मैप चेंजेस, गेम प्ले मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें बॉयज एक गेमर के लिए बाद में आती है, एटलीस्ट टू मी। सबसे पहली चीज आती है यार एक स्मूथ एक्सपीरियंस, XP फकिंग रियंस, वो सबसे पहले आती है। शिटी सर्वर्स, हैकर्स, लैग, 20 टिक सर्वर्स। बॉयज देखो यार, तुम लोग बोल रहे हो कि यार एक्स भाई एपेक्स मत छोड़ो, एपेक्स खेलो, हम लोगों को एपेक्स देखना पसंद है। बॉयज तुम मेरी स्थिति सोचो ना यार, आई हैव दैट कॉम्पिटिटिव नेचर। मेरे को गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा करना है, मेरे को आगे जाना है। कैसे जाऊँ? हाउ डू आई डू इट विद दीज सर्वर्स? हाउ द फक डू आई डू इट? जा रहे हो तुसी ना जाओ, बॉयज मेरे लिए आसान थोड़ी है। मैंने कितने घंटे डाले उस गेम के अंदर, कितनी एनर्जी डाली है, कितनी ज्यादा मेहनत हर प्रकार में डाली है यार मैंने इस ALGS को हैपन करने के लिए। बॉयज़ मैंने पता नहीं किन किन लोगों से पूछा है कि यार प्लीज़ मेरे साथ खेल लो, हमको एक थर्ड चाहिए, हमको एक थर्ड चाहिए, बट हमारे रीजन में नहीं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स बॉयज, इट हर्ट्स माई हार्ट बट येस। एक मैं जैसे ही मिडल ईस्ट में हूँ तो यहाँ पे अरेबिक मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो कोई प्लेयर यू नो इट्स नॉट गोना वर्क आउट ब्रो, वो अपने लैंग्वेज वाले अपने लोगों के साथ टीम बनाएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट बॉयज, आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट इन अ परमानेंट थर्ड, ताकि हम लोग इज्जत से प्रैक्टिस कर पाएँ और ALGS में खेल पाएँ। हमने हमारी तरफ से जोड़ी जो हमारे मैनेजर हैं, इन्होंने भी अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी फकिंग एनर्जी लगा दी यार बॉयज़, बट हम क्या करें। तो बॉयज़ ये कारण थे मेरा एपेक्स छोड़ करके यू नो वेलोरेंट में कदम रखने का। और ये सारी चीज़ें वेलोरेंट ने नेल करी है, सारी चीज़ें यार, सारी चीज़ें सर्वर वाइज जो भी खराब था एपेक्स के अंदर वो वेलोरेंट ने नेल किया है यार। वेलोरेंट ने प्रॉमिस किया एंड आई एम वेरी फकिंग श्योर कि वो लोग सर्वर्स लाएंगे, क्योंकि राइट एक करने वाला है। ओके, थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन, क्योंकि वो लोग फिजिकली जाकर के सर्वर्स इंस्टॉल करेंगे हर रीजन में जहाँ पे भी पॉसिबल हो। तो हाँ, इंडिया में आएंगे, मिडिल ईस्ट में आएंगे, हर जगह आएंगे। 128 एक सर्वर्स तो कुछ और होते हैं बॉयज, कुछ और होते हैं यार। तो या तो ये मेरा कारण है। इट्स नॉट ए ईजी डिसीजन बॉयज, आई एम नॉट यू नो माई ऑडियंस, उनको पता है वॉट एम आई। मैं ये टाइम पास नहीं, आई एम नॉट ऑन दैट ट्रेन। ये ओ ब्रो वेलोरेंट आया है, ये खेलते हैं, नहीं। एपेक्स कॉम्पिटिटिव का मैंने पूरी कोशिश कर ली, अपनी सारी ऊर्जा डाल दी। मैं अच्छा खेल सकता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा अच्छे खेलने में लगाऊँ या दूसरे लोगों को मनाने में लगाऊँ कि हमारे साथ थर्ड बन जाओ, प्लीज हमारे साथ खेल लो। तो दिस नॉट हाउ वर्क्स ब्रो। और जहाँ तक बात रही कॉम्पिटिटिव खेलने की, टूर्नामेंट्स होने की, वेलोरेंट के इंडिया में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, सिंपल। तो कॉम्पिटिटिव एपेक्स आई विल बी लीविंग फॉर श्योर। एपेक्स टोटली खेलना छोड़ूंगा ये मैं नहीं कहूँगा, फॉर फन येस, मस्ती, ये सारी चीज़ें। तो आई होप तुम लोग बॉयज़ ये मेरा डिसीजन जो है उसके साथ रहो, because I feel you guys boys. See, I'm not totally telling ki I'm gonna fuck Apex, like I'm not gonna play that game or anything. I'm just addressing it. बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो I just wanted to address this and I hope बहुत अच्छा रहे मेरा Valorant के साथ journey and I'll be fucking best in this game also boys. Don't worry, फोड़ देंगे। तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो? काउंटर स्ट्राइक कैसी लगती है? अपील कभी लगी नहीं खेलने की, तो मैंने कभी खेली नहीं है। व्हाट अबाउट कॉड वॉरजोन? ना, इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट दैट कॉम्पिटिटिव। नहीं, इतना कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं है। से पर्सनली पूछोगे, आई एम एड्रेसिंग माई पीपल अबाउट मी, तो आई जस्ट मेंशन स्टार्टअप कि मुझे एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा चाहिए। स्टार्टअप आई एम टोटली विद यू देयर। स्लाइड जंप वो सब फन नहीं है, इसके अंदर ट्रैक करना वो सब नहीं है, रिकॉइल है, ऑन शंट रुक करके मारना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपकी मान ली। बट एक एक्सपीरियंस जो है ना गेम खेलने का, वो बहुत अच्छा है यार, स्टार्टअप बहुत अच्छा है। इट फील्स बैड दैट यू आर सेइंग दैट। नो बॉयज, आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल बी लीविंग एपेक्स, आई नेवर सेड दैट। आई विल बी लीविंग एपेक्स कॉम्पिटिटिव ALGS। अगर कोई और टूर्नामेंट हो रहा होगा इंडिया में, My boys, come, let's practice, let's get good at this game और अपन खेल लेंगे, कोई सीन नहीं। बट जहाँ तक बात रही ALGS, मिडल ईस्ट में रह करके खेलना पड़ेगा तुम लोगों को। हम तुम्हें मिडल ईस्ट एक अलग रीजन है टू कम्पीट, बट तुम लोग EU में लॉबी बना के खेलोगे कस्टम। What? हम कम्पीट करने वाले 120 पिंग पे। 3 ऑनलाइन टूर्नामेंट खेल लिए ALGS के मैंने बॉयज, तीनों में यही सीन है। यू आर राइट, बट वी हैड मोर अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट रेगुलरली इन इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स देन वी माइट एक्चुअली विन। स्टार्टअप्स यार, अब इसका तो अभी अपन क्या डिस्कशन करें। अब मैं क्या ईए को फ़ोन लगाऊं, ब्रो कम ऑन क्या डालना ब्रो, क्या इंडिया को नहीं डाला तूने। मैं तो सबसे ज़्यादा चाह रहा हूँ भाई, काश इंडिया अलाउड होता, फकिंग काश इंडिया अलाउड होता। तो चलो अपन उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सी बॉयज, सी लाइक तुम लोग है ना गलत चीज़ का डिस्कशन कर रहे हो अभी। ये लाइक अरब प्लेयर्स बेटर होते हैं, नहीं बाहर के प्लेयर्स बेटर होते हैं, नहीं इंडियन प्लेयर्स का स्किल लेवल कम है, नहीं इधर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, इधर अपॉर्चुनिटीज कम है। बॉयज बॉयज फकिंग ज़ूम दिस इन, बॉयज जो ये ई स्पोर्ट पूरी चीज़ क्या है, यू टेल मी। ई स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट कैसे, हाउ डज इट वर्क। कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, कोई भी स्पोर्ट, गेम या स्पोर्ट हो जो फील्ड पे खेला जाता है। पीपल वॉच इट, वो टेलीकास्ट होता है, पीपल वॉच दैट, व्यूअर्स आते हैं, नंबर्स बढ़ते हैं, उससे स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, फिर प्राइस पूल होता है, फिर तुमको प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। अगर पीसी गेम्स इंडिया में देखेगा नहीं कोई, तो गेम्स और टूर्नामेंट्स होंगे क्यों? सिंपल सा फंडा है बॉयज। पबजी मोबाइल फ्लरिश कर रहा है, जनता उसको देखती है, तो इट्स ग्रोइंग, उसके टूर्नामेंट होते हैं। पीसी गेम्स का इतना क्यों नहीं होता है? एपेक्स ने क्यों नहीं इंक्लूड किया इंडिया को? थिंक बॉयज, थिंक। रिकनेक्ट फीचर कमिंग इन एपेक्स, प्रीटी कूल। सी बॉयज, एंड इट्स लाइक, अगर तुम लोग सोचो ना यार, सोचो, अगर सोचो, जस्ट इमेजिन, जस्ट फकिंग इमेजिन, जस्ट इमेजिन। अरे भाई लव यू यार। इफ एपेक्स ब्रिंग्स 128x सर्वर्स, अच्छे सर्वर्स हर जगह, लेस पिंग हो, मतलब बेसिकली लेस देन 20 पिंग, 128x सर्वर्स एंड नो चीटर्स। सपना देखा? मैंने अभी देखा, कैसा लगा? मैंने अभी देखा, ड्रीम वो सच हो जाए बॉयज। कोई सवाल है मैं कोई और गेम खेलूं? आई लव एपेक्स ब्रो, मैंने इतने घंटे उस गेम में डाले हैं, तो तुम लोग खुद सोचो ना यार, तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग बताओ मुझे, तुम लोग खुद सोचो, व्हाई द फक वुड एनीबॉडी लीव एपेक्स। एंड मी जिसने इतनी माथाफोड़ी करी है इस गेम के पीछे, इतनी जूजों को पीसी दिलवा दिया, इधर वीडियो बना रहे हैं, उधर फ़ोन लगा रहे हैं, रोजाना 10 स्ट्रीमर्स की, मिडल ईस्ट के स्ट्रीमर्स की स्ट्रीम पे बैठ रहा हूँ कि यू नो कि कुछ मामला बैठ जाए, कोई प्लेयर्स के साथ अच्छा सीन बन जाए, समथिंग लाइक दैट। आई ट्राइड एवरीथिंग एंड व्हाई द फक वुड आई लीव एपेक्स। Really difficult to compete in Valorant internationally. Gonna be tough journey, but this enough determination you can do it. Yes sir. अरे मेहनत की तुम छोड़ो ना यार, मैं तो इतना मानता हूँ, मेहनत डालोगे स्किल आएगी। सिंपल है मेरा फंडा यार, फंडा सिंपल है एकदम। What do we expect in Valorant? इंडिया में आएंगे तो आज तुम्हारी CS में, मुंबई में, आप जिस भी जगह रहते हो इंडिया में, मुंबई में सर्वर्स हैं CS के, तो आपको जो पिंग आती है वो सेम आएगी। पिंग टाइम का कुछ फिक्स करना है कि नहीं? मॉलेज भाई फुल पावर कर लेंगे, मैं बहुत जल्द इसी वीक के अंदर मैं तुम लोगों को ये भी बता दूंगा कि क्या टाइम्स रहने वाले हैं। शिट गोइंग फ्रॉम बैटल रॉयल टू टैक्टिकल, यस सर, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग मी अ बेटर एक्सपीरियंस। ये बताओ वैलोरेंट फ्री टू प्ले होगा, वैलोरेंट की पिंग कितनी होगी? मुझे CSGO की भी नहीं पता कब तक आएगा। वैलोरेंट आई थिंक यूल गेट अराउंड 40 पिंग। वैलोरेंट क्या इंडिया में लेस देन 40 CSGO की जगह बूम करेगा? कर सकता है, CSGO की जगह नहीं लेगा, क्योंकि आई थिंक लीग ऑफ लेजेंड्स और डोटा की तरह ये दोनों गेम्स भी एग्जिस्ट करने वाले हैं, बट इसका अलग प्लेयर बेस रहेगा, इसकी अलग अपील है। विल यू ट्राई एनी स्टोरी मोड और हॉरर गेम फॉर फन एंड चिल? हाँ, आई विल बी मेकिंग, मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक टाइम टेबल जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं किस दिन पे क्या करने वाला हूँ, कब सब गेम्स होंगे, कब कैजुअल एडवेंचर गेम्स होंगे, हॉरर गेम्स होंगे, कब मैं महीने में कितने गिव अवेज करूँगा एंड एवरीथिंग। शिट, मैं बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन रहने वाला हूँ, बिकॉज आई हैवंट प्लेड वैलोरेंट माई सेल्फ, सो आई एम अनएबल टू एंजॉय वैलोरेंट स्ट्रीम एट द मोमेंट। एग्जैक्टली, तो बॉयज यही तो दिक्कत है, अभी कितना क्लोज बैठा है ना, तो तुम लोग एक बार खेलोगे तभी तो देखने में मजा आएगा। मैं भी जब पहले की के लिए देख रहा था, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, वंस यू प्ले अब मैं स्ट्रीम देखता हूँ, ब्रो इतना मजा आता ना यार। एंड द थिंग इज बॉयज, इतना कुछ है ना सीखने के लिए, इतना कुछ। एक ये लर्निंग कब है ना, यूं जाने वाला है, ये स्टीप होगा बॉयज। और ये चढ़ने में ये जो वापस ग्राइंड है, लर्न करना है, ओ फक ओ फक ओ फक, इसमें मजा आएगा यार बॉयज। दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड फॉर दिस गेम। भाई तुम किधर से हो? मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ ब्रो। सब कैरेक्टर की एबिलिटी की भी बना देना। हाँ कूल, वो सब का अपन कर लेंगे। डू यू हैव एनी अदर टैलेंट अदर देन गेमिंग? सी आई लाइक एक्टिंग, ड्रामा। मैं अपने कॉलेज के ड्रामा क्लब में भी था और ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट, बट देन लाइफ आकेट बहुत काम होता है। जब तक फाइनल ईयर में आया इज लाइक नहीं, आई एम नॉट गोना डू दैट। आई लाइक ड्रामा, एक्टिंग एंड स्टफ। I like to dance. I used to play basketball. I used to gym also. सच्ची है।